लाई थी जल गई है, फिर से निकल लेके आया लकड़ी। राधे राधे भाई, जस्ट मैं अभी सो के उठ रहा हूँ और आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। oh, no. ये मम्मी इनको सुबह जगा रही थी, इनको ये लड़के को, कि स्कूल जाओगे, तो ये बोला नहीं यार नहीं जाएंगे, सो रहा है तब से। सर्दी जुकाम हो गया भाई, बहुत तगड़ा मुझे। आवाज वाज देख रहे हैं कैसी आ रही मेरी, क्या हो रहा भाई लोग। ये देखिए यहाँ मम्मी हमारी पूड़ी बना रही हो। मम्मी पूड़ी और क्या बना रही हो? आलू टमाटर पत्ता गोभी की सब्जी। अच्छा, आलू टमाटर पत्ता गोभी की सब्जी, मेरी फेवरेट सब्जी। और ये झाड़ू लगा रही। बाहर के क्या हाल है भाई? आइए आप लोग को बाहर के हालात दिखाते हैं। मैं तो अभी जस्ट सो के उठा हूँ, देख रहे होंगे मेरे मुंह को, देख के लग रहा होगा नहीं। ठंडे भाई साहब, ओहो हो, चमत्कार हो रहा। ये देख रहे हैं मौसम, यहाँ काम चल रहा है इस वाले पे, मौसम बहुत खतरनाक है भाई। ठंड है बहुत तगड़ी, कोहरा है, धूप नहीं निकलेगी आज लग रहा। कल तो थोड़ी सी निकली थी, थोड़ी सी निकली क्या, तो निकलने कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन आज हमको लग नहीं रहा है कि धूप निकलेगी, बहुत कड़ा मौसम है। चलते हैं ब्रश व्रश करते हैं, फिर कुछ खाते पीते हैं उस मौसम में, यही है। ठंडी में जो है रात और दिन का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। ये ठीक है यार, रात दिन का बिल्कुल पता नहीं चल रहा, बस सोते रहो। और हमारे घर में उसी रूल को फॉलो किया जा रहा है, सोते रहो। अब बयान चल रहा है। मम्मी को बैठ के परेशान कर रही है दीदी, और ऋतिक वहां, मैंने अभी एडिट करके ऋतिक को दे दिया है, ऋतिक एडिट करना शुरू कर दिया भाई। और मैं अभी अब जा रहा हूँ शॉर्ट वीडियो में वॉइस डालने, मैं अभी तक बाहर नहीं निकला हूँ, जाऊंगा तो अरुण के दुकान पे जाऊंगा, वहां पे जलवाऊंगा तो बैठूंगा। अभी तो पहले वॉइस डाल लूँ, मेरे पास बहुत काम है, सर्दी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। स्वेटर तो पहने नहीं है मम्मी, ये चुप रहो तुम, क्या स्वेटर क्यों नहीं पहने? जो है पूरे दिन मैं घर में ही था, और टाइम हो रहा है 6 बजने जा रहा है, और मैं अब जाके निकलना। अभी अनीस कॉल किया था अदनान के फोन से, कहा था कहाँ हो, हम कह घर में हैं, कह रहा आओ, तो मैंने अपने में वीडियो डाल लिया है। आज के वीडियो जो है 6 GB की है, 6 GB की है भाई, तो मैं सोच रहा हूँ किसी और से नेट वगैरह लेके डाल दूंगा तो सही रहेगा। और मुझे देखिए मम्मी दीदी मिल के टोपी ओपी तगड़ा पहना के, और फूल ये सब, ये तो पहना ही रहता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़ा पहना दिए। चलो भाई चलते हैं वहाँ, थोड़ा तापे वापा जाएगा जला के कुछ, जा रहा हूँ मैं, बढ़िया तो लग रहा है। और हम लोग जा रहे हैं अनीस के रूम पे, पहले अनीस के भैया लाए थे 2-3 ग्लव्स, तो वो हम लोग लेंगे, अरुण को बहुत ज़रूरत है भाई, ये गाड़ी हरदम दिन भर चला रहता ना, तो इसके हाथ ठंडे हो जाते हैं। और ये देख रहे हैं हरदास सिंह है, तो जला जला के बैठे हुए हैं, इसी वजह से पूरे मार्केट में इतने कम लोग दिख रहे हैं भाई, ठंड की वजह से। अरुण कहाँ रह गए? वो अरुण देखो, हाँ हाँ बहुत फेमस हो जाओगे, तो नाच रहा है, रोड भी चलती है, ये नाच रहा है, आगे हिला रहा है, तू तो भगा, दौड़ रहा है, मैं चल दे। कहाँ है रखे ग्लव्स बेटे? दोनों लोगे तुम लोग की क्या? जो अच्छा वाला दिखाओ, दोनों दो चक्रो अरुण चेक कर, मुंडी जी तू रेंज चेक कर, चेक कर। रहेगा तो भाई ये चलाते रहता है इधर उधर, तब क्या चला इधर उधर फालतू में, नहीं काम से जाता है साले, काम से चलाता है। ये वाला नहीं है, मोटा है ज्यादा, ये नया है, ये सब अरे बोले ये वाला सही रहेगा, ये वाला, ये मोटा कपड़ा वाला है, तुम भी लोगे तो भैया नहीं लेंगे क्या? एक इसको दे दे रहे अभी, रुक जाओ, फिर तुम अभी जरूरत पड़ेगी तो ले जाना, क्योंकि एक भैया 2 लाए हैं, एक तो वो लेंगे ना, अरुण ले लो, अभी अरुण के काम है। और मेरे पास एक है, वो हल्का वाला कपड़ा वाला, ऐसा वाला नहीं है,
तुमको भी जरूरत हो तो ले लो। नहीं नहीं अभी बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक तो है मुझे चलो, हाँ था ये पूरा पंजा हो गया, पूरा पैक कर लिया, ये सब पैक कर लिया। और हम आए हुए हैं शूज लेने के लिए, क्योंकि ऋतिक का जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसमें स्पोर्ट्स शूज लगता है, उसके पास है नहीं, तो देख लेते हैं। तो तुम देखो आगे चल ले। क्या है क्या है, तुम देखो आगे चल ले। कहा के देखे इमरान देगा नहीं, उसको बोले तो जाए। तुम देखो आ रहे हैं, जाओ जाओ जाओ, ओके आओ, ओके हम लोग शूज देख ले। उधर ही हम लोग आए रहे, सही है। अब एकदम कंपनी का जूता लग रहा है, कंपनी का जूता लग रहा है, बात तो सही है। हमको समझ में आया, हमको क्या समझ में आया, मैंने ऋतिक को व्हाट्सएप किया था तो उसने यही वाला कहा कि ये वाला थोड़ा सही लग रहा है, और रेट वेट अभी देख लेते हैं। और भी मैंने बोला है भैया कि और भी दिखा दीजिए इसमें स्पोर्ट्स में ब्लैक कलर में, देखते हैं क्या दिखाते हैं, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा लेना है कि नहीं लेना है, कहीं और चलना है ना, देखिए और दिखाते क्या ले लिए हैं। जो शूज पहने हुए थे वही वाला शूज ले लिए हैं, बाकी चल के ऋतिक को दिखा देते हैं। मोबाइल पे तो उसने बोला था कि हाँ यही वाला सही है, चलो पहना होना के दिखा देते हैं, फिर एक टेंशन ख़त्म हो। और चलेंगे आज नान के घर, उसकी वाईफाई का पासवर्ड लेंगे और वीडियो डाल देंगे। जूता लेके आया और साइज में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, फिर मैं गया दौड़ के और दूसरा लेके आया। ऋतिक चेक करो ये वाला, थक गया भाई, सर एकदम घूम रहा है। सही लग रहा है, साढ़े छह सौ सही लग रहा है। ओके बढ़िया है, तो चलिए भाई ये वाला जूता पसंद भी आ गया, साइज भी आ गई है, सब बढ़िया है, तो चलते हैं वीडियो डालने किसी के घर। पूरी जो जल रही थी जल गई है, फिर से लेके आया लकड़ी जलाने के लिए, छोटी छोटी करके रखना, नहीं जाने बड़ी रहती है ना तो बाद में इधर उधर हो जाती है। और हम वीडियो वीडियो डाल चुके हैं और आके अब यहाँ, हाँ अभी पब्लिक कर रहा है, आके यहाँ आग तापेंगे भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। जस्ट क्या बाहर से आके और बैठा हूँ, वीडियो ऋतिक को दिया शॉर्ट वाली, वो एडिट करने जा रहा था, और अभी जस्ट पापा का कॉल आया कि मैं आ गया हूँ आओ मुझे लेने, तो मैं जा रहा हूँ पापा को लेने, ले आता हूँ। काफ़ी रात भी हो रखी है, ठंड भी इतनी ज़्यादा है, छोटे इन्होंने इनको जा रहा नहीं लेकिन पहन वहन ले, चप्पल दो मेरा। बाहर का माहौल इतना खतरनाक है, इतनी ज्यादा ठंड है कि पूछो नहीं, हटिया ब्लैकी। और ये जो है ऋतिक गेट लॉक कर दिया था फिर से, बहुत बढ़िया ठंड है, नाकों की मेरी लाल हो गई। आ चुके हैं और मेरे वहाँ मेरे गांव जहाँ आजमगढ़ अम्बेडकर नगर, वहाँ पे इस टाइम लगा हुआ है ठंडी में लगता है अम्बेडकर, कहाँ का मम्मी, गोविंद साहब का मेला, सबसे बड़ा मेला लगता है, एक महीना तक रहता है, और वहाँ का सब फेमस खाजा हमको जो सबसे ज़्यादा पसंद है ये रहा। पूरा खोए से बनाया जाता है ये भाई, इतना अच्छा लगता है, और मेरे पापा ठंडा आ गया बिल्कुल। कैबिनेट उनको भी